दोस्तों, जिस बारे में मैं आपसे आज बात करने आई हूँ और जिस टॉपिक पे लिखी कविता मैं आज आपको सुनाने आई हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी इस टॉपिक पे मैंने कुछ 3 से 4 कविताएं लिखी हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपसे क्यों कह रही हूँ। सोचिए मत, मैं तो बल्कि आज आपसे यही कहने आई हूँ, क्यों सोच रहे हैं हम इतना और क्या सोच रहे हैं हम। ये तो रोज होता है, दिन रात होता है, कभी घर में होता है तो कभी बाहर होता है। बुरी नजर से देखने से लेकर, दोस्तों बुरी नजर से देखने से लेकर गलत चीजें सरेआम बोलने तक, ये 1-2 बार नहीं, ये सब बार बार होता है। फिर चाहे हैदराबाद में प्रियंका नाम की कोई हो लड़की, फिर चाहे हैदराबाद में प्रियंका नाम की कोई हो लड़की या तमिलनाडु में हो रोजा, कोई नई तो नहीं है ना बात सबके लिए, कोई नई तो नहीं है ना बात सबके लिए, कभी निर्भया जैसा तो कभी और बदतर हाल होता है। आवाज आज उठा लेंगे हम, आवाज आज उठा लेंगे हम, कल फिर हो जाएंगे अपनी जिंदगी में मशरूफ। बातें करेंगे देश विदेश की, बातें करेंगे देश विदेश की, कभी पढ़ाई की तो कभी देश की भलाई की, पर पता है क्या दोस्तों, अच्छे दिन की आस लगाए बैठे कभी लड़कियों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएंगे हम। एक बार शायद दूसरी तीसरी नहीं हजारवीं बार, शर्म से झुक जाएगा सर 2-4 दिन के लिए। एक और बार, फिर एक बार, शायद हजारवीं बार, शर्म से झुक जाएगा सर 2-4 दिन के लिए, पर मित्रों आप भूले नहीं, अब मंदिर वहीं बनाएंगे हम, अच्छे दिन भी लाएंगे हम। पर मित्रों आप भूले नहीं, अब मंदिर वहीं बनाएंगे हम, अच्छे दिन भी लाएंगे। जब देश की सब लड़कियां मर जाएंगी या हो जाएंगी बलात्कार के शिकार, तब शायद जिस चीज के खिलाफ है हम आज LGBTQ, फिर उसी से देश चलाएंगे हम। मैं यहाँ आई और मैंने अपनी पहचान नहीं बताई थी, उसके लिए माफी। मैं हूँ इस देश की वो हर सहमी हुई लड़की जो कभी कुछ चाह के भी चाह नहीं पाएगी। थैंक यू।